अच्छी थी यार, बहुत अच्छी थी। एक खुद को ढूंढने की जर्नी होती है। मुझे लगता है पेरेंट्स जब आपके अपने बच्चों के शौक देखते हैं, उनके ख्वाब देखते हैं, उनमें बिलीव करते हैं, तो वो कभी जाया नहीं जाता। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गिविंग यू एनी गुड आंसर्स, सॉरी। आपका पहला क्रश? मैं गौरव कांजसपाल, आप देख रहे हैं दर्जाकार। आज हमारे साथ जो गेस्ट हो उसे पटना से मोहताज नहीं है, यह अपने दिलकश अदा से लोगों को घायल कर देती। जी हाँ, हमारे साथ बॉलीवुड के फेमस एक्ट्रेस दिव्या मैम। दिव्या मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। हमारा पहला सवाल आपसे होगा मैम, जो आपकी पहली फिल्म डेब्यू फिल्म आई थी 1994 में, इसमें मरना इसमें जीना, और उस सफर से लेकर मैम आप हाल ही में यूट्यूब पर फिल्म आई थी शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस वन हाफ, मैम पूरी जर्नी कैसी थी मैम आपकी? अच्छी थी यार, बहुत अच्छी थी। एक खुद को ढूंढने की जर्नी होती है, जहाँ आप खुद अपना रास्ता चुनते हैं और उस रास्ते में आगे क्या आने वाला आपको मालूम ही नहीं होता, तो उसका अपना मज़ा होता है जो प्रीप्लान चीज़ नहीं होती। लेकिन आप कहीं ना कहीं मेहनत करके और एक जज्बे के साथ, मुझे लगता है वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज वो मुकाम मिला जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी। आज तो बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं और मेरे रोज देखे जाते हैं। मैम आपकी माँ नानी ताजी, मैम वो डॉक्टर हैं और मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड में लोग डॉक्टर जाते हैं, मैम एक डॉक्टर फील्ड छूट के एक्टिंग फील्ड में मैम आप कैसे आए? तो मुझे लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एक ऐसी माँ मिली मुझे जिन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि क्योंकि घर में सब डॉक्टर्स हैं तुम भी डॉक्टर बनो। उन्होंने हमेशा देखा कि मेरा रुझान आर्ट्स की तरफ था, एक्टिंग की तरफ था, हालांकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो मुझे लगता है पेरेंट्स जब आपके अपने बच्चों के शौक देखते हैं, उनके ख्वाब देखते हैं, उनमें बिलीव करते हैं, तो वो कभी जाया नहीं जाता। और मुझे हमेशा ये लगा कि आई शुड डू समथिंग जिससे मेरी माँ प्राउड फील करे। और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ उनको कि उन्होंने मुझे एक्ट्रेस तब बनने दिया जब लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि हमारी बच्ची एक्टिंग करे। तो सो द थिंग इज़, मेरे साथ खड़ी रही और सब जितना भी कोई ऑपोजिशन था या किसी को नहीं पसंद था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बच्ची करना तो करेगी। और धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि बच्ची को ख्याति मिल रही है औलाद, सो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक फेथ हुआ कि सही रास्ता चुना। मैं आपका पहला इंटरनेशनल डेब्यू फिल्म द लास्ट ईयर था और मैम हिंदी डेब्यू फिल्म इसको मुझे नहीं समझ, मैं दोनों डेब्यू फिल्म में काम करने एक्सपीरियंस कैसा था, द पहला डेब्यू फिल्म इंटरनेशनल बॉलीवुड डेब्यू? मुझे लगता है मैं हर फिल्म से करती हूँ क्योंकि हर फिल्म एक अलग मुख्तलिफ रोल होता है और अलग किरदार होता है, अलग डायरेक्टर होता है, अलग सेटअप होता है। तो पहला दिन हमेशा मेरे लिए बहुत नर्वस होता है, तो आई एम एक्साइटेड, आई एम नर्वस कि आज नया लुक क्या रखें, आज नया एटीट्यूड क्या रखें, ऑल दैट स्टफ। सो आई थिंक डेब्यू मेरे लिए इतना कोई खास मायने नहीं रखता कि अभी जैसे मैंने डिजिटल पे डेब्यू किया तो कहने को वो डेब्यू है, लेकिन ऐसे ही हर फिल्म जब मैं करती हूँ तो आई एम एज एक्साइटेड टू स्टार्ट। मैम अगर बात उत्तराखंड की जाए तो मैम पिछले कुछ सालों में काफ़ी फिल्म शूटिंग, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू और फिर मैम परमाणु, कबीर सिंह और फिर मैं अपाजी वेब सीरीज भी है, तो मैम उत्तराखंड फिल्मी जगत के लिए कैसा माहौल है आने वाले टाइम में शूटिंग के लिए आपके हिसाब से? मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत जगह है और फिल्मी लोग तो इस चीज़ की वेट करते हैं कि हमें एक अच्छी जगह मिले जहाँ हम शूट कर सकें। तो जब एक रास्ता खुल जाता है, जब सरकार भी मदद करती है और आसानी से लोग आ सकते हैं और एक्सेसिबल होता है, चीज़ें आसानी से मिलती हैं, तो मोस्ट डेफिनेटली लोग आना चाहते हैं। आपने खुद कहा कि सारी फिल्में ऑलरेडी यहाँ शूट हो चुकी हैं, आई एम श्योर बहुत सारी और होंगी और एक रास्ता खुल गया है तो इंडस्ट्री भी फॉलो। मैम अगला मेरा एक रैपिड फायर राउंड है, मैं आपसे मेरा सवाल पूछूं तो आपको उन्होंने आंसर देना है जी। मैम शुरू करें फिर, मैम आपका निकले देखो आपको 13 मिनट टाइम लगता है 15 मिनट। फेवरेट स्वीट? आपको काम करते हैं और दुख कब होता है? काम ना करते हुए। मैं भी थोड़ा पर्सनल, आपका पहला क्रश? आमिर खान, कयामत से कयामत तक। अच्छा लास्ट टाइम आपने किसको हक किया था? लास्ट टाइम अभी किया था अपनी बहन के बच्चे को। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गिविंग यू एनी गुड आंसर्स, सॉरी।
अच्छा वो गाना जो आप अक्सर गुनगुनाती हो, एक गाना लग जा के ले। फिल्म इंडस्ट्री में आपका फेवरेट? अमिताभ बच्चन। फिल्म इंडस्ट्री जिसको आप ना पसंद करते हैं? कोई भी नहीं। मैम जो आज के युग मॉडल है उनके लिए आज के इंडस्ट्री का माहौल कैसा काम करने के लिए? बहुत अच्छा, बेस्ट है इनफैक्ट। बहुत सारा काम है लोगों के लिए, पहले बहुत लिमिटेड काम हुआ करते थे टेलीविजन और फिल्म्स और व्हाटएवर, अभी इतना सारा वेब है, डिजिटल है, टेलीविजन है, फिल्में हैं, तो बहुत सारे नए लोगों को काम मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, लोगों को देखते हैं। और ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है कि आपने टीवी किया तो आप फिल्में नहीं कर सकते, सो वो सब नहीं है। So that's lovely, I think, और content बहुत strong हो गया है, so I think it's great time for me. मैम आप मम्मी से बहुत close हो मैम, और मैम आपने माँ पे बुक भी लिखा था, मैम उसके पीछे क्या कहानी थी? तो मेरी जब मैंने lost my mom 3 years back, तो मुझे वो समझ नहीं आया कि इतना बड़ा loss कैसे deal करते हैं, तो मुझे लगा कि एक ऐसी माँ जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे सपनों में बिलीव किया, अगर थिंक आई एम द लकीस्ट डॉटर टू हैव हर, तो मुझे लगा कि उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, उनकी और मेरी कहानी सबको बतानी चाहिए। और मुझे सब बतौर एक्ट्रेस जानते हैं, लेकिन बतौर पर्सन मैं कैसे बनी, किसने बनाया, वो सब नहीं जानते। सो फिर ये किताब मैम, लास्ट सवाल है मैम, ये दैनिक जागरण का 10वां फिल्म फेस्टिवल, मैम ऐसे फिल्म फेस्टिवल हमारे मॉडल्स के लिए इंडस्ट्री में कैसे हेल्प कर सकते हैं आने वाले टाइम में? एक बेस देना छोटे शहरों में, खूबसूरत फिल्में लेके जाना, ऐसी फिल्में लेके जाना तो ज़्यादातर आपको थिएटर्स में शायद ना मिले, या मिश्रण उनका बनाना, और कुछ एक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को, राइटर्स को एक्टिंग वर्कशॉप्स के लिए, दूसरी वर्कशॉप्स के लिए, पैनल डिस्कशंस के लिए, ऐसी ऑडियंस के पास लेकर जाना जिन्हें शायद ये मौका ना मिले। तो एक बहुत कमाल का इनिशिएटिव है ये, और मुझे लगता है कि ये तो पुण्य का काम है जो जागरण कर रहा है, लेकिन ये पुण्य का काम करते करते उन्हें बहुत ख्याति मिली है, 10 सालों में मैंने उन्हें बहुत ग्रो करते हुए देखा। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट विश देम ऑल द वेरी बेस्ट कि वो इस तरह से ये इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू।